हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टेक मास्टर दर्शक। तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, इसका नाम है वीपीएन प्रॉक्सी 100% अनलिमिटेड वीपीएन। इसको आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने से पहले इसके आप रिव्यूज रेटेड नीचे देख सकते हैं। 4.3 इसको इस टाइम ले हुए है, 56 के रिव्यूज़ है, 3+ रेटेड है और 1 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोडिंग है। आपको भी डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने ऐप को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका लोगो होता है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर थोड़ी देर बाद आपके सामने दूसरा पेज आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, टैप टू कनेक्ट, ऑटो लोकेशन और माय आईपी। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑटो लोकेशन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने बहुत सारी लोकेशन आ जाएगी, इसमें से आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है। आपको जिस भी लोकेशन का सर्वर कनेक्ट करना है उस लोकेशन को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको फाइनल क्या करना है, अगर आपको ऑटो लोकेशन पर सेलेक्ट करना है तो आपका ऑटोमेटिकली लोकेशन है जो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको बैक जाना है। यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलता है ऑन ऑफ का, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। फिर आपके सामने एक ऐड आएगी, इस ऐड को यहाँ से वॉच करके क्लोज कर देना। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वीपीएन कनेक्टिंग चालू हो जाएगी। ये कनेक्टिंग पूरी होने के बाद इसमें आपका वीपीएन सर्वर है जो कनेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, नीचे आपको ऑलवेज अलाउ का ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑलवेज अलाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ करनी होती है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, कनेक्टिंग पूरी होने के बाद इसमें आपका वीपीएन ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा वीपीएन ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गया है। वीपीएन कनेक्ट होने के बाद इसमें आप निजी प्राइवेट कंपनी के डाटा को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, माय आईपी पर क्लिक करना है और माय आईपी पर क्लिक करते हो इसमें आपको गूगल में चला जाएगा। यहाँ पर आप इसके आईपी वगैरह देख सकते हो। तो आपको यहाँ से बैक चला जाना है। फिर आपको इसकी सेटिंग्स वगैरह देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करना है 3 लाइन पर। इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर देख सकते हो, शो माय आईपी यहाँ पर चेक कर सकते हो। फीडबैक यहाँ से देख सकते हो। सेटिंग्स देखनी है इसकी तो यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, ब्लू मोड, ऑरेंज मोड, यहाँ पर जो भी करना चाहते हो यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। कनेक्ट ऑन ऐप लॉन्च, यहाँ पर राइट पर क्लिक करके ऑटो कनेक्ट डिवाइस आप स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्ट कर सकते हो। इसकी प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हो। यहाँ पर आपको देख सकते हो वीपीएन प्रॉक्सी सुपर फास्ट वर्जन यहाँ पर देख सकते हो। फिर इसके आप इस ऐप को अपने दोस्तों में वगैरह शेयर करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके अपने दोस्तों में इस ऐप को वगैरह शेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन भी मिल जाता है, इस पर क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी है आपका शेयर करने का यहाँ पर ऐप्स ओपन हो जाती है। तो अगर इसमें आपको वीपीएन सर्वर को फिर से डिसकनेक्ट करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने डिसकनेक्ट का ऑप्शन आएगा। डिसकनेक्ट पर जब क्लिक करोगे तो इसमें आपका वीपीएन सर्वर फाइनली डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारा वीपीएन सर्वर इसमें डिसकनेक्ट हो गया है। डिसकनेक्ट होने के बाद आपको फिर से जैसे था वैसे का वैसे देखने को मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।